राहगीरां नूं मारन दी। लगभग हर पहले दूजे दिन इस तरह की घटना हो जाती है। सत्ता दे नशे चलाउंदे ने, पहली गल तां जदों पता है वी मालक साडा वड्डा है, जदों पता है कि सानूं कोई पुलिस नहीं कुछ कह सकदी, तां फिर हौसले बढ़ जांदे ने उहनां दे। पहलां मोगे कांड होया, उस तों बाद पता नहीं कित्थे कित्थे होया, तुसीं हर रोज़ गिण लो। तो मेरे ख्याल च सुखबीर बादल जी नूं इस गल की चिंता करनी चाहीदी है कि ये जिहड़ियां बसां साडियां बंदे खाणियां बसां, मैं कहिंदा हुंदा इहनां नूं, क्यों ये राहगीरां नूं मारदियां ने, कारण की है, कोई होर बस तो घटना क्यों नहीं हुंदी, अक्सर इन्हां तो क्यों हुंदियां। और उत्तों शर्म की गल यह है, अज अखबार छपया जदों पुछया गया पत्रकारां वल्लों कि जी इस तरह करके दो जिहड़े जानां चले गए ऑर्बिट बस, सुखबीर बादल जी कह रहे कोई कम की गल करो, मतलब उहदे लई साडी जान भी कम की नहीं हैगी, ये सानू खरीदना सिख गए, ये 30 लाख लै लो, 25 लै लो, नौकरी दे देंगे, पहला नहीं देंगे नौकरी, ज्यादा इन्हों की बस थले आके मरो जा कोई इन्हों की पुलिस की गोली तो मरो फिर नौकरी देंगे। पिंड 4 बारी हो चुकी है, इस तो पहला न्यू दीप जी इन्हों के बंदे ने भी ढिलो, उन्हें चन्नू पिंड कहते भी साढ़े भी इतने तीजा चौथा कतल है, मतलब मैं कतल ही कहूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं कह सकते, सत्ता के नशे चलाउंदे ने, किवें उन्होंने नाल बंदे रखे ने, गुंडे रखे हुए ने लोगों को डराउण वास्ते, है। सो ये जिहड़ा मैं कहूंगा ये रोड टैररिज्म है। सर ये अज आप पार्टी आ के उन्होंने नाल खड़ी हुई है, इस तो पहला भी कभी इस चीज के बारे कभी गौर किया गया भी हाँ भी ये बसा खराब कर दी है, और उत्ते कुछ किया जाना चाहिए। असी मोगे दे विच भी सब तो पहला सी, सारे तो बाद मूहरे असी संगरूर दे विच भवानीगढ़ असी ऑर्बिट बसा रोकियां सी, कि ऑफ दी रोड करो इन्हां नूं, ट्रेन कहिंदे जी ट्रेनिंग देवांगे जी करांगे। सो आम आदमी पार्टी आम लोगों के दुखां च खड़दी है, जदों कदी बनी है 3-4 साल पहलां दी बनी हुई है जी ना, जिथे भी कोई किसान आत्महत्या कर लिया, किसी ने कोई नशिया ना मर गए, जिथे सानूं सानूं मौका मिलदा जाण दा, असी जाणदे आ जाके दुख प्रगट करदे आ, इह च कदी राजनीति आ, उह तां करदे ही आ जी, सब परिवार ही खत्म हो गया जी, हैंड टू माउथ सीगे, वैसे तो कोई बिजनेस रह नहीं दिंदे, जे कोई आपदा चलाउंदा थोड़ा मोटा खराद वह भी मारे गए जी। हुण सरकार वल्लों क्यों जी, बादल परिवार वल्लों क्यों नहीं दिंदे पैसे जी, है जी बसा इन्हां दीआं ने जी, प्राइवेट बस है जी, ठीक है ना। सो ये आपदे परिवार वल्लों देण, करोड़ां रुपया रोज कमाउंदे ने, 400 बसा फिरदियां ने, इहदा मतलब 1.5 करोड़ दी इक एवरेज पा लो, 650 करोड़ रुपया तो सड़कां ते तुरिया फिरदा इहनां दा, फिर होर इहनूं परिवार वल्लों बादल परिवार वल्लों असीं तां दिल्ली दे विच वी इहनां दीआं बसां जिहड़ियां जांदियां ने इंडो कैनेडियन, कित्थे टैक्स दिंदे ने, उह मौका मिलूगा जी, साडी सरकार आ लैणी, तो असीं मैनीफेस्टो च लिखिया सब तो पहलां जांच करांगे इहनां दे एडे एडे लंबे रूट किवें बण गए। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਆ ਬਦੋਵਾਲ ਲਲ ਤੋਂ ਬਸ, ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆ ਮਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਵਧਾਏ ਨੇ ਇਲੀਗਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੂਟ।